अजमेर शहर में बारिश के दौरान चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य के चलते शहर अस्त व्यस्त हो रहा है। बारिश के चलते रोड धंसने की खबरें मिल रही हैं, तो कई स्थानों पर वन वे किया गया तो कई मार्गों पर आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी के काम ने भले ही रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन बारिश में स्मार्ट सिटी के काम ने लोगों को परेशान कर दिया। वन वे के चलते व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित होने लगा है। अजमेर के स्टेशन रोड पर अंधेरी पुलिया बारिश और स्मार्ट सिटी कार्य के चलते धस गई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं यातायात भी प्रभावित हो गया। रोड धसने के कारण यातायात पुलिस ने बंद कर दिया, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पुलिया को सही नहीं किया गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ और इसका खामियाजा आम जनता व व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। स्टेशन रोड पर अंधेरी पुलिया, जो कि एक इंटरनल नाला बना हुआ है मोनिया स्कूल से लेकर अंधेरी पुलिया में जो ज्वाइंट होता है, साथ में इलेक्ट्रिक केबल, पानी की पाइपलाइन भी जा रही है और ये सड़क काफ़ी टाइम से धस रही थी, जिसको हमने पूर्व में 3-4 बार PWD को मजबूर करके यहाँ गड्ढा भरवाया था, लेकिन ये सड़क जो है वेट के कारण धसती जा रही थी। बारिश की सीजन में हमें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी इसके अंदर समा जाएगी और जनहानि भी हो सकती है। तो 4-5 दिन पहले स्टेशन रोड व्यापारिक संघ की तरफ से हम चिन्मय जी के पास गए थे, निगम आयुक्त के पास, उन्हें अपील करी कि आप ये सड़कों में जो पानी भरता है दुकानों के आगे और अंधेरी पुलिया का निर्माण कराएं, क्योंकि ये ब्लॉक कम से कम 11 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने AN साहब जो राजेश जी हैं वो बाहर गए हुए थे कि हम दौरा करेंगे 2 दिन बाद और इसका निर्माण करेंगे, फिर उन्होंने कार्रवाई चालू करी। लेकिन कार्रवाई करी ये बहुत अच्छी बात है, इसमें एक तरीके से व्यापार भी व्यापारियों का बाधित हो गया, क्योंकि एक तरफ से उन्होंने वन वे कर दिया और दूसरी तरफ जो है ग्राहक की आवाजाही बिल्कुल रोक दी, क्योंकि आगे जो केसरगंज का बाटा तिराहा है वहाँ से ट्रैफिक को बिल्कुल यहाँ आने के लिए बंद कर दिया, आगे भार्गव ऑप्टिकल जो KEM है वहाँ से बंद कर दिया। तो इस साइड के जो दुकानदार हैं वहाँ पर दुकानदारी बिल्कुल खत्म हो गई। सामने ट्रैफिक की वजह से व्यापारियों के यहाँ जो ग्राहक रुकते हैं उन्होंने रुकना बंद कर दिया। तो परसों हमने TI मैडम को बुलाया, सुनीता गुजर को, और उनसे हमने शिकायत करी, उनसे दौरा भी कराया, तो उन्होंने कहा ये जो रेलिंग है ये ADA के अंदर में आती है, तो मैं उनको लेटर लिख के ये रेलिंग बीच में से हटाने का प्रयास करूंगी और केसरगंज से जो वन वे कर रखा है वो यहाँ से डिवाइड होगा ट्रैफिक, तो जिससे ग्राहकों की और नागरिकों की आवाजाही हो जाएगी। कल जनसुनवाई कार्यक्रम था देवनानी जी के यहाँ, जो कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, मैं उनके पास भी गया था, उन्हें लिखित में दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसमें जल्दी से जल्दी सुचारू करूँगा। ADO को एप्लीकेशन देने के बाद आज देखते हैं क्या कार्रवाई होती है कि ये जंगले जो कुछ मीटर की दूरी पर हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि कम से कम 600 मीटर का फासला है, ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित है, व्यापारी बिल्कुल ठाले बैठे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं अभी कि एक दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, सामने जो ट्रैफिक चल रहा है वो केवल लोगों की मजबूरी है कि वो इस हिसाब से जा रहे हैं। 11 बजे क्या करते हैं, बैरिकेटिंग लगा के जो मॉडर्न ब्रिज से व्यापार जो आ रहा है आवाजाही, वो बिल्कुल केसरगंज से पड़ाव होते हुए मदारकेट कनेक्ट कर रही है, तो व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। और ठेकेदार जी से हमने जब बात करी तो कम से कम 15-20 दिन इस काम में लगेंगे, लेकिन बारिश की सीजन जिस हिसाब से है शायद हो सकता है महीने भर से ज़्यादा लग गया। महीने भर में व्यापारी लाखों रुपए का अपना माल लगा के बैठा है, वो क्या करेगा? हम 2 दिन में इतने हताश हो गए हैं, इसलिए हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि व्यापारियों का नागरिकों का ध्यान रखें, इन जंगलों को हटाएं और ट्रैफिक की आवाजाही सुगम हो। हम व्यापारी पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं।